नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ वोकैबलरी फ्लो ब्लैक बुक से। आज हम जितने भी हैं ब्लैक बुक से वोकैब आज मैं करवाऊँगा आपको 21 से लेकर 30 तक, जिसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना। मैंने 20 तक वोकैब करवा दिए, जिसमें वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स करवा दिए। आज 21 से लेकर 30 तक करवाए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। व्हाई यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्यों करें? तो डेली वोकैबुलरी ट्रिक्स के साथ एकदम याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस वीडियो देखते जाओ, जितने भी 40 मिनट, 45 मिनट, 20 मिनट, जितनी भी वीडियो बनेगी बस आप देख लेना। डेली ल्यूसेंट जी के टॉपिक्स आप कवर करवा रहे हैं यहाँ पर। डेली सीजल 2024 व्लॉग भी डाल रहे हैं, आज मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 21 से लेकर 30 तक, ये जो करवा रहा हूँ ये ब्लैक बुक के अंदर है, ये बस याद कराने की ट्रिक्स करवा रहा हूँ। तो कैसे याद करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, मतलब वह व्यक्ति जिसका काम है अकाउंट्स देखना, जिसे हम कहते हैं मुनीम या फिर लेखपाल। तो इसका आएगा अकाउंट, नाम में ही है अकाउंट्स। कौन देखता है? अकाउंटेंट देखता है, अकाउंट्स कह लो, या फिर मुनीम को क्या कहते हैं, अकाउंट। ये तो याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आता है शार्प एंड डायरेक्ट, इसका आएगा, इसका मतलब होता है कड़वा स्वभाव, बोले तो असर भी। कैसे याद करो? शार्प, किसी ने कड़ी बात कह दी वह दिल पर लगी, मतलब असर हुआ दिल पर। ACER से याद करो, असर, असर हुआ मतलब किसी ने कड़ी बात, कुछ सच्चाई कह दी, बेइज्जती कर दी, मतलब कुछ बुराई कर दी किसी की, मतलब सार पे एकदम जाकर दिल पर चोट लगी। ठीक है, वही वही सब है। तो क्या हुआ? असर हुआ, ACER, असर हुआ कुछ, तो मतलब उससे चिढ़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गई, मतलब असर हो गए, उससे याद करो। सार्प, सार्प मतलब एकदम तीर जाके कहाँ लगी? दिल पर, मतलब दिल पर लगी तो क्या हुआ? असर हुआ, उससे याद कर लो। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड के बारे में पढ़ना। जैसे भाई हम पढ़ते हैं साउंड की स्पीड इतनी है, भाई एयर में इतनी होती है, वो वैक्यूम में इतनी होती है, गैस में इतनी होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होते हैं, फिर उससे कम लिक्विड, उससे वो सब हम पढ़ रहे हैं। मतलब हम ध्वनि विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अकाउस्टिक। कैसे याद करो? काऊ, COU से याद करो, काऊ। काऊ मतलब गाय, गाय के हम, गाय हम पढ़ते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब भैंस को कुछ सुनाई नहीं देना, ऐसे याद करो। गाय के आगे बीन बजाना मतलब काऊ, काऊ मतलब गाय के आगे बीन बजाना, मतलब ध्वनि उसे सुनाई नहीं देगी, कोई असर नहीं पड़ेगा उसके, वो सब है। भैंस के आगे बीन बजाते मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बीन सुनाई नहीं देती। ऐसे ही हम गाय के आगे बीन बजाएंगे, मतलब कुछ ध्वनि से रिलेटेड कुछ करेंगे तो उसे सुनाई नहीं देगा, कोई असर नहीं होगा वैसे भी गाय के। तो साइंटिफिक स्टडी साउंड, साउंड मतलब किसके आगे बजाएंगे? गाय के आगे, काऊ, COW, काऊ से याद करो, काऊ स्टिक। ठीक है, ये भाई साहब मोस्ट और मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 बार पूछा जा चुका है SSC के प्रीवियस एग्जाम में, ये तो जरूर याद करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू डिसाइड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब किसी को बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, वो सब है। मतलब जा तूने कुछ क्राइम नहीं किया है, जा मतलब बरी कर देना, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। तो इसका आएगा एक्वाइट। अब एक आपने पढ़ा होगा डोंट क्वाइट, डोंट क्वाइट, QUIT, तो मतलब त्यागो मत, लगे रहो, हार मत मान लो, मतलब इसने क्वाइट कर दिया मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, जा से मेरा जा, जी ली अपनी जिंदगी, वो सिस्टम कर दिया। टू डिसाइड कोर्ट ने बरी कर दिया, भाई तेरी कोई गलती नहीं है, तू आज़ाद है, मतलब क्वाइट मतलब कोर्ट ने क्वाइट कर दिया मतलब छोड़ दिया उसको, वो सब है, उससे याद करो। डोंट क्वाइट से मतलब छोड़ो मत, लगे रहो, इसमें डोंट है तो इसमें तो डोंट नहीं है, मतलब छोड़ दिया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, वो सब है। ये भाई साहब 3 बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, ये तो याद करो ही करो, सीधी बात है। नेक्स्ट है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, हवाई करतब करने वाला एक्रोबैट। कैसे याद करोगे? भाई देखो मैं पता है क्या करूँगा, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, अरे मजाक कर रहा है, दूसरा कहेगा मेरे को अरे तू तो नहीं, नहीं मैं सच में उड़ सकता हूँ। कैसे? शर्त लगा, बैट लगा, वो होता है BET, बैट का अर्थ होता है शर्त लगा,
आपने सुना होगा, तो उससे याद कर, शर्त लगा एक्रोबैट, मतलब बैट लगा, शर्त लगा, तब मैं हवाई करतब दिखाऊंगा तुम्हें, मतलब उल्टे सीधे हरकत करके दिखाऊंगा, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर, वो सब है, बैट लगा, ऐह बैट लगा 5-5 हज़ार की, तभी करूँगा, ठीक है, फ्री में नहीं करता मैं, तो वो सब है एक्रोबैट, बैट लगाएगा तभी क्या करूँगा, हवाई करतब करूँगा, मतलब परफॉर्म डेयरिंग, मतलब बिना डरने वाला कुछ ऐसा करतब, वो जिमनास्टिक वाले, मतलब समझिए, एंटर वो परफॉर्म डिफिकल्ट डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स करूँगा, बैट लगा एक्रोबैट, ठीक है। नेक्स्ट है ये भाई, 3 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, जो ये 3 टाइम्स लिख रखा है, इसका मतलब है 3 बार पूछा जा चुका है, ये तो आपको करने ही करने याद है, वो भी करने हैं, लेकिन ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है, एन एब्रेविए वे फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। ये भाई मुझे कुछ ट्रिक लगी नहीं, आप थोड़ी याद कर ले ना, थोड़ा वैसे ही नाइम नाइम से याद कर ले, नाइम नाइम NYM से याद करो, नाम कुछ नाम बनना, शब्द बनना, उससे याद कर लेना, कुछ मुझे ढंग से ट्रिक मिली नहीं, एक आध आप अपनी तरफ से कर लेना। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, 4 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊंचाई का डर लगना, ठीक है, किसी को भाई पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लग, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, ऐसे ही किसी को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई ग्रेट हाइट्स, ग्रेट हाइट से डर लगता है, तो उसे कहेंगे एक्रोफोबिया, फोबिया इसका अर्थ होता है डर, कहीं पर देख लेना, फोबिया डर होता है, एक्रो एक्रो से, क्रो से याद करो, क्रो कराओ, कोआ कोआ बोलते हैं ना, कोआ कोए को इंग्लिश में क्रो ही तो कहते हैं, तो एक्रो मतलब क्रो, क्रो का उड़ता है हवा में, हवा का होती ऊंची ऊंचाई में उड़ता है, मतलब तो ऊंचाई से डर लगता है क्रो को, क्रो को तो नहीं लगता, हमें जरूर लगता है, तो वो सब है फोबिया, इसको तो भूल ही जाओ, हटा दो इसको, ठीक है, इसको भूल जाओ, फोबिया का मतलब ही डर होता है, आपको शुरू के ये याद करना, एक्रो मतलब क्रो, क्रो मतलब कोवा, कोवा का उड़ता है ऊंचाई पर, ऊंचाई से डर लगना, मतलब एक्रो, ठीक है, वो सब है। नेक्स्ट आता है भाई, ये आज तक पूछा नहीं गया लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है, कभी टू डू समथिंग टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्टी इन ए फिल्म प्ले, फिल्म फंक्शन कार्य करना, मतलब किसी मूवी में कुछ छोटा सा रोल प्ले करना, कुछ भी काम करना, एक्ट एक्ट मतलब काम करना, ये तो कुछ हो नहीं, एक्टिंग करना, एक्ट ये तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है मेक ए मशीन एक्टिवेट, एक्टिव और ऑपरेटिव, किसी मशीन को एक्टिव करना, चलाना, नई नई मशीन आती है उसे चलाना, सक्रिय करना, उसे आएगा एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करना मतलब ऑन करना, चलाना, समझ गए होंगे, वही है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुत तेज है, गुड जजमेंट मतलब अच्छे फैसले ले सकता है, टेक क्विक डिसीजन जल्दी से ले सकता है, शार्प एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट लेने की क्षमता अधिक है, वो आएगा एक्यूमेन। कैसे याद करोगे, मैन से याद कर लो, व्यक्ति व्यक्ति, ठीक है, आपको याद करना एक्यू आकू आ भाई, देखो मैंने कैसे याद करना है, आकू क्या है, एक नाम है, आकू सच में ही एक नाम है, नाम तो क्या है, निकनेम है किसी का, तो उससे याद कर लो, आकू है ना क्या, आकू मैन, आकू जो व्यक्ति है ना वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि वाली है, या बुद्धि वाला है जो भी है, तो आकू से याद कर लो, ठीक है, मैन तो व्यक्ति हो गया, और आकू से याद कर लो, आकू आकू, जैसे आकांक्षा हो गई, उसका निकनेम आकू हो गया, ऐसे ही कुछ, ठीक है, आकू याद कर लो, आकू की बुद्धि क्या है, बहुत ही तेज है, बहुत ही हाई हाई है, उससे याद कर लो, ठीक है, थोड़ा मेरे तो याद है, हो गए भाई, सीधी बात है, क्योंकि आपको से याद किया है मैं, आपको की बुद्धि क्या है, बहुत ही तेज है, उससे मतलब कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि किसकी है, ये देखो गुड जजमेंट ले सकता है, कुशाग्र बुद्धि किसकी है, आपको की है, तो आपको, ठीक है, ये भाई 2 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, अब देख लेना इसके
इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन की। नेक्स्ट आता है, अब आते हैं भाई ईडीएम फ्रेजेस। मैंने आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए, अब कराऊंगा 21 से लेकर 30 तक जो जो ईडीएम फ्रेजेस पूछे गए हैं आपके प्री जो उसमें है ब्लैक बुक में, वो सब आप कवर करवाए जाए। 21 नंबर है, एक क्लोज्ड बुक मतलब रहस्य, ए मिस्ट्री मतलब कोई किताब है, क्या है ये कोई किताब है। किताब है, किताब का नाम है रहस्य। भाई साहब इस किताब के अंदर रहस्य है, बहुत कुछ छिपा है, इसको पढ़ लो जैसे गीता है, गीता को पढ़ लो जीवन का कल्याण हो जाएगा। गीता है पुस्तक है, भगवत गीता वही है। इस किताब के अंदर रहस्य क्लोज है, मतलब इस किताब को बंद ही रहने दो, अगर यह खुली तो क्या होगा, बहुत दुनिया तबाह हो जाए, क्योंकि मिस्ट्री, मिस्ट्री का अर्थ तो समझते हो कुछ मिस्ट्री है, मतलब रहस्य है, मतलब किताब को बंद ही रहने दो, बंद किताब क्या है एक रहस्य है, अगर खुली तो पता नहीं क्या क्या हो जाए वो सब। नेक्स्ट आता है, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस व्यक्ति, ए माइजर, माइजर का अर्थ भी आपको पता है, माइजर का अर्थ होता है कंजूस, मक्खी चूस वो सब। क्लोज फिस्टेड पर्सन, ये थोड़े याद कर लेना, फिश मतलब मछली पालन वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, मत्स्य पालन जो करते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन वो सब क्या होता है, कंजूस होते हैं। अरे मैं कहूँगा यार भाई 10 रुपए की देते मछली, नहीं 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 दूंगा 12 रुपए की, अरे भाई 2 रुपए में क्या होगा, नहीं 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 बहुत कुछ होगा भाई, 12 रुपए में लेनी है तो ले, 10 रुपए में नहीं, 11 में भी नहीं, बिल्कुल 12 रुपए में देगा तो लो। वही है, मतलब जो फिश पालन करते हैं मछली पालन करते हैं वो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, मतलब माइजर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 बार पूछा जा चुका है, मोस्ट 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 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ए कोग इन द मशीन, मामूली व्यक्ति मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, कैसे करोगे, मशीन है कोई भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे हीरो होंडा हो गई, मारुति हो गई, जो गाड़ी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी, उनमें क्या होती है बड़ी बड़ी मशीन होती है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट मतलब कोग इन द मशीन, मतलब पूरी मशीन में कोग है एक, मतलब छोटा सा पार्ट, मतलब मामूली व्यक्ति, क्या हैसियत है इस पार्ट की, ये खराब टूट फूट जाएगा तो भी इतनी बड़ी है कि क्या असर पड़ेगा, मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत बड़ी है ना मशीन, उसके छोटा सा पार्ट, वो सब याद है, कोग मतलब छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कोल्ड फिश, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला व्यक्ति, मतलब मैं क्या हूँ, कोल्ड फिश हूँ, मुझे ही पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये है। मतलब समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, 2 बार पूछा जा चुका है, मतलब मैं क्या हूँ, मैं एक कोल्ड फिश व्यक्ति हूँ। फिश अभी फिस्टेड पर्सन बताया था आपको, मतलब कंजूस, जो फिस्टेड वाला कंजूस होते हैं, और ये इसका मतलब होता है कोल्ड फिश, मतलब कंजूस, मतलब कंजूस नहीं, भावनाओं को साझा मतलब अनफ्रेंडली, किसी भाईचारा मुझे भाईचारा नहीं चाहिए, बस अकेलापन, वो सब सिस्टम इसमें कोल्ड फिश में मैं मान लो, ठीक है, तो जो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता वो होता है, 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है, एक कुकू इन द नेस्ट, अवांछनीय घुसपैठिया, मतलब नेस्ट मतलब होता है घोंसला, घोंसला घोंसले में क्या बढ़ गया, कुकू मतलब कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, वो करता है ना, कौन करता है, मुर्गी करती है कुकड़ू कू, कुकड़ू कू, तो मुर्गी ने क्या कर दिया, नेस्ट मतलब घोंसला क्या कर दिया, तोड़ दिया, कुकड़ू कू, कुकू ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, मतलब घुसपैठ, घुसपैठ, अब वो बेचारे किसका है, चिड़िया का घोंसला है, तो उसका तोड़ दिया बेचारे, मतलब घुसपैठ ही घुस गई, मतलब जो मुर्गी है घुसपैठ, मतलब एन अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब अंदर घुसना, अनवेलकम मतलब हमने वेलकम, वेलकम करना मतलब बुलाना, और अनवेलकम बिना वजह ही घुस गए, मतलब घुसपैठ ही, समझ गए होंगे, एक कुकू इन द नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसले, घोंसले में क्या बढ़ गए, कुकड़ू को मतलब मुर्गी बढ़ गई, मुर्गी बढ़ गई मतलब तोड़ दिया, मतलब अनवेलकम, कुछ नेगेटिव सेंस निकल रहे, देखो इस जो शब्द है ना, इस शब्द का इसका एक नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, अन लग गए तो नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, तो उससे याद कर, ठीक। नेक्स्ट है, एक कट अबो समथिंग, किसी चीज के ऊपर कट लगाना बेहतर होना, अब भाई मैं बाल कटवाने गया था, मैं क्या गया, मैं गया भाई बाल कटवाने, ये मैं, ठीक है, ये मैं, ये मेरे बाल है, तो बाल कटवाने गए, तो क्या करे, एक कट मरवाया, फिर
आंखों के ऊपर जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, नाम तो ध्यान नहीं है। हाँ, आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं, ये आंख के ऊपर, इनमें कट मरवा भाई साहब, एक नंबर का लगे। मतलब किसी चीज के ऊपर कट मरवाना तो बेहतर, सुपीरियर, अच्छा लगेगा कुछ। भाई साहब बालों में कट मरवा ऐसे स्टाइल, यो यो हनी सिंह, तो ऐसे कुछ स्टाइल मरवा भाई साहब, एक नंबर का लगेगा, एक नंबर का मतलब बावनी बूच पागल लगेगा। तो वो सब है, मतलब एकदम कट मरवाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, समथिंग बेटर, तो सुपीरियर। नेक्स्ट है, दो बार पूछा जा चुका है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, याद करने हैं ये। नेक्स्ट है, ए डैम स्क्वीब, ऊंची दुकान फीका पकवान कहते हैं ना, नाम तो ऐसे है जैसे पता नहीं वो है ये है, और समझ गए होंगे, ऊंची दुकान मतलब फैला तो ऐसे रखा है और कुछ नहीं है, ऊंची दुकान फूके पकवान। ए डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, मतलब ऐसे समझ गए होंगे, ए सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्ट, सोचा हुस था निकला कुछ, खोदा पहाड़ निकली चुई है, वो सिस्टम है। तो डैम स्क्वीक, डैम मतलब पागल बनाना, डैम डैम का मतलब अर्थ पागल होता है, तो उससे आजकल पागल बना दिया दुकान वाले ने, पागल बना दिया, मेरे पास ये है ये है, अरे भाई 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 तेरे पास कुछ नहीं, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, वो सब है, ठीक है, दो बार पूछा जा चुका ये। नेक्स्ट आता है, डैम सेल इन डिस्ट्रेस, अबला नारी ए हेल्प लेस वूमेन, ये थोड़ा याद हो, डिस्ट्रेस है, नहीं नहीं मैं थोड़ा डिस्ट्रस हूँ, डिस्टर्ब हूँ मतलब थोड़ा दिमाग खराब है, तो डिस्टर्ब हूँ मतलब अबला नारी मतलब बेचारी क्या है, थोड़ी डिस्टर्ब है, ठीक है, तो ए हेल्पलेस, उसकी कोई हेल्प नहीं करता, डैम सेल इन डिस्ट्रेस, ये थोड़े भाई अपने याद कर ले, ठीक है, वो सब है। नेक्स्ट आता है, ए डार्क हॉर्स अप्रत्याशित विजेता एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस एन अननोन एंट्री, ए कंपटीशन ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 बार पूछा जा चुका है। अब देख लो इस क्वेश्चन की आगे भी पूछा जाएगा ही है, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। याद कैसे करोगे भाई, ये थे कुछ घोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर इनको पहुँचना थी इस लाइन के पास, कोई सब घोड़े वाइट रंग के थे, मतलब सफ़ेद रंग के थे सब, एक इस घोड़े को छोड़ के यह था काला। अब सोचो एक वाइट घोड़ा हो एक काला घोड़ा हो तो किस कौन सा अच्छा लगेगा, थोड़ा वाइट वाला अच्छा लगेगा, लगेगा ना, तो सब सोचेंगे नहीं सफ़ेद घोड़ा जीतेगा, सफ़ेद जीतेगा, लेकिन जीत गए भाई, मतलब काला घोड़ा, डार्क मतलब काला घोड़ा, सब ने पैसे लगा दिए थे सफ़ेद घोड़े पर और जीत गया काला घोड़ा, मतलब अनएक्सपेक्टेड, किसी ने अनएक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, अरे यार ये भी जीत सकता है क्या, वैसे ही सिस्टम है, समन हूँ अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस हो जाए। 8 बार पूछा जा सको भाई, ये देखो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, याद मैंने करा, ए डेड लॉस, बेकार व्यक्ति, कंप्लीटली यूजलेस, डेड डेड मतलब मरा हुआ, अरे मरा हुआ क्या कर लेगा, लॉस मतलब समझ गए, नेगेटिव सेंस निकल रहा है इसका, इस जो है ना इस वर्ड का मीनिंग ही नेगेटिव निकल रहा है, तो आप समझ लो ये भी नेगेटिव है, 4 ऑप्शन आएंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इसमें ये कर देने सीधी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं, डेड लॉस मतलब बेकार व्यक्ति, कंप्लीटली यूजलेस। नेक्स्ट आता है सिनोनिम्स, अब आपको करवाएंगे किस से लेकर 30 तक जो ब्लैक बुक में सिनोनिम्स है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबल, ये देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अकाउंटेबल जो अकाउंट संभालता है वो सब है, तो इसका जवाब दे, जो अकाउंट है भाई तेरी जिम्मेदारी है, जो पैसे आएंगे कंपनी में ये सब उसको देने हैं, ये सब तेरे जवाब दे, तेरी जिम्मेदारी, मतलब आंसरेबल, इसका जवाब तू देगा, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई कुछ भी सिस्टम है, मैं कभी भी पूछूँ अगर भाई मैं मालिक हूँ कंपनी का, कभी भी पूछूँ इतने रुपए कहाँ गए, तो इसका जवाब आप दोगे, वो सब। नेक्स्ट आता है अकाउंट ट्रीमेंट्स, ये भी उसी से संबंधित है, मतलब उपकरण इक्विपमेंट्स, कैसे याद करोगे भाई, ठीक है तुम अकाउंट संभालोगे तो मुझे कुछ इक्विपमेंट दो, मतलब कंप्यूटर दो, लैपटॉप दो, माउस दो, कीबोर्ड दो, उसी में तो मैं अपने वो रखूँगा अकाउंट्स, मतलब सामान तो देगी, इक्विपमेंट्स तो दोगे, तो वो सब उससे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्रेडिट, मतलब प्रमाणित करना, सर्टिफाई, भाई मुझे बैंक गया मैं, मुझे क्या बना, क्रेडिट कार्ड बनवाना, चलो बना, बैंक वाले ने कहा चलो बना देंगे आपको, लेकिन 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 आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट लेके आनी, मतलब
फिर मैं कहूँगा उनको, मतलब मैं समझा नहीं, फिर ये बैंक वाला है ये मैं हूँ। अब ये कहेगा आपको 10th की 12th की आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र ये सब लिख के आना, मतलब सर्टिफिकेट लिख के आनी है तभी आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा। तो क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो क्या चाहिए हमें, सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफाई, सर्टिफाई से याद कर लो सर्टिफिकेट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब याद हमें बस याद कराना है। नेक्स्ट है भाई एक्रू, एक्रू मतलब इकट्ठा करना, एक्रू मतलब क्रू से याद करो, क्रू मेंबर जो मतलब पानी वगैरह में चलते हैं ना नाव वगैरह में, क्रू मेंबर, क्रू मेंबर, क्रू मेंबर को क्या करते हैं इकट्ठा कर लो भाई सब, मतलब क्रू जो मेंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं इकट्ठा होते हैं, एक नाव में सवार होते हैं, क्रू से याद कर लो क्रू मेंबर इकट्ठा होते हैं। एक्यूमुलेट कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, गैदर। अब देखो क्रू मेंबर क्या करता है इकट्ठा करता है, क्रू मेंबर क्या करता है इकट्ठा करता है, ठीक है याद हो गए। कलेक्ट कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, ये भी आपको पता है, ठीक है। गैदर, गैदर से याद करो फैदर, फादर, फादर क्या होता है फैमिली को इकट्ठा रखता है, उससे याद कर लो फादर। एक्यूमुलेट मतलब लेट, फीस लेट जमा क्योंकि, लेट से याद करो फीस जो है ना, लेट जमा क्योंकि, लेट जमा करना मतलब इकट्ठा, भाई मैं रिश्तेदारों से इतने पैसे में लेके आया इकट्ठा किया बहुत मुश्किल से इकट्ठा हुआ, उससे याद कर लो। देखो क्रू से याद कर लो, क्रू मेंबर क्या करते इकट्ठा कर रहे, ठीक है। एक्यूमुलेट लेट क्या करा, फीस जमा, लेट फीस, लेट फीस जो है ना लेट जमा क्योंकि, क्यों भाई मैंने इकट्ठा कर रहा था बहुत जगह से इकट्ठा करके लाया हूँ बच्चे की फीस, स्कूल फीस, उससे याद। कलेक्ट का पता है फादर मतलब फैमिली को क्या करते इकट्ठा रखते एक, उससे याद कर लो। नेक्स्ट है भाई 3 बार पूछा जा चुका है भाई ये क्वेश्चन, 3 बार पूछा जा चुका है ये आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है भाई एक्यूरेट, एक्यूरेट का आपको पता है कोई याद कराने की जरूरत नहीं, शुद्ध एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है, मतलब प्रेसाइज करेक्ट है, एग्जैक्ट है, एकदम करेक्ट सही है। एक्यूरेट मतलब एकदम एक्यूरेट होना चाहिए भाई, सीधी बात है, हाँ तो करेक्ट एकदम सही होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, प्रेसाइज। मैं भाई कपड़े देखने गए दुकान पर, मतलब एकदम भाई साइज बताओ तुम्हारा, CIS से याद करो साइज, साइज साइज है मेरा 36 शर्ट का, मतलब एकदम एक्यूरेट है ना साइज, हाँ भाई एकदम एक्यूरेट है, ना ज़्यादा मोटाई ना ज़्यादा पतलाई, तो उससे याद करो एक्यूरेट एकदम सही होना चाहिए, मतलब साइज क्या सही होना चाहिए, साइज पैंट का साइज सही होना चाहिए, वो याद, करेक्ट का भी पता है एग्जैक्ट का पता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 बार पूछा जा चुका है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, अब आप इस क्वेश्चन की अहमियत देख, एक्यूरेटली वही है शुद्धता से मतलब करेक्टली एकदम। नेक्स्ट आता है एक्यूज्ड, अभियुक्त मतलब इंडिक्टेड। अब देखो भाई ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति ने है ना इसको मार दिया, तो ये तो कहलाएगा कन्विक्ट, जिसको मारा गया है जिसके साथ गलत हुआ है उसे तो कहेंगे कन्विक्ट, और जिसने किया है उसे कहेंगे एक्यूज्ड, समझ गए, मतलब इस ये तो मर गया, मर गया मतलब जिसके साथ गलत हुआ उसे तो कहेंगे कन्विक्ट, फिल्मों में देखते होंगे, और जिसने गलत किया है उसे कहेंगे, इसे कहेंगे क्या एक्यूज्ड, तो वो है एक्यूज्ड, आपने सुना भी होगा मतलब इसने गलत किया है, ठीक है बेटा तूने गलत किया, अब क्या होगी तेरे साथ दिक्कत होने वाली है, दिक्कत मतलब जेल जाएगा तू, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अब तो भाई तेरे को, सीधी बात है, तो वही है एक्यूज्ड मतलब, एक्यूज्ड मतलब जिसने गलत किया है, गलत किया है तो अब तुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत DICTED मतलब दिक्कत, ठीक है उससे याद कर। नेक्स्ट है अचीव करना, कुछ पाना, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, उससे याद करो अकम्प्लिश, सक्सीड, अचीव मतलब पाना, हाँ भाई मैं सक्सीस हो गया, सक्सेस हो गया, सक्सीड हो गए, वो याद हो गए, ये कैसे याद करो कम्प्लिस, पुलिस, मैंने पुलिस का पेपर पास कर दिया मतलब मैं सक्सेस हो गया, अचीव कर दिया मैंने, पा लिया, कम्प्लिस, कम्प्लिस एक और तरीका है, जैसे कम्प्लिस को याद करो कम्प्लिस मतलब कम्प्लीट, कम्प्लीट खुद को कम्प्लीट जो होना पड़ेगा तभी कुछ पाया जाएगा, कुछ पाना है तो खुद को कम्प्लीट जोकना पड़ेगा, वो याद कर लो। सक्सेस कार तो तुम्हें पता है, और पुलिस का मतलब पुलिस का पेपर पास कर दिया मतलब अचीव, पा लिया मतलब कम्प्लीट, कम्प्लीट आपको झोंकना पड़ेगा, वो सभी
चार बार पूछा जा सकता है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। नेक्स्ट है भाई एक्नोलेजमेंट अधिस्वीकृति कन्फर्मेशन। एक्नोलेजमेंट मतलब स्वीकृति मांगना, परमिशन मांगना, ठीक है। इसका मतलब आपको मैंने समझा दिया, याद अपने तरीके से करें। कन्फर्मेशन, हाँ आप कन्फर्म हो, हाँ सर मैं कन्फर्म हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, घूमने शिमला, वो सब है। कन्फर्म हो, कन्फर्म हो ना, हाँ कन्फर्म हूँ। तो एक्नोलेजमेंट का अर्थ होता है परमिशन मांगना, परमिशन स्वीकृति देना, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, वो सब है, ठीक है। तो कन्फर्मेशन मतलब ठीक है, आगे भी आएगा थोड़ी देर बाद, ये पढ़ाऊंगा देखना। नेक्स्ट है एक्वेंट, परिचय कराना। देख मैथ्स होता है, मैथ के आती है मैथ की किताब, उसमें क्वांटम मैथ होता है, क्या हूँ यू ए एन टी ए एन, क्वांटम मैथ्स मतलब क्वांट से याद कर लो, क्वांटम मैथ। क्वांटम मैथ से मैं भली भांति परिचित हूँ, मतलब उंगलियों पे करता हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं कुछ पूछ लो, वो सब है इंट्रोड्यूस करना। एक्वेंट मतलब क्वांटम मैथ, क्वांटम मैथ से क्या हूँ मैं भली भांति परिचय है तू, परिचित हूँ मतलब इंट्रोड्यूस कराना, इसका अर्थ भी हो फैमिलियराइज, घर फैमिलियराइज मतलब घर वालों से क्या होते हैं भली भांति परिचित होते हैं, हाँ पता है कौन कैसा ये है वो है, तो वो सब है। ठीक है एक्वेंट से, क्वेंट से याद कर लो, क्वांटम मैथ, क्वांटम मैथ क्या है भली भांति परिचित हूँ मतलब इंट्रोड्यूस हुई फैमिलियराइज, समझ गए। दो बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम से। अब आते हैं एंटोनिम्स, 21 से लेकर 30 तक जो जो आपके ब्लैक बुक में पूछे गए इन एंटोनिम्स, अब वो करवाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है असर्बिक, थोड़ी देर पहले भी कराया था, दिल पे लगा है, दिल पर लगा है मतलब असर हुआ है, शार्प एंड इनडायरेक्ट थोड़ी देर पहले करवाया था ना, पहला ही पहला वो था शायद वन वर्ड, शार्प सीधा दिल पर लगा असर हुआ, तो वही है असर हुआ तो मतलब दिल पर लगा, कड़वा लगा कुछ, उसने कुछ सच्चाई बोल दी किसी के बारे में तो कड़वी लगी होगी भाई, सच कड़वा होता है वो सब है, तो असर हुआ मतलब कड़वा लगा, कड़वा इसका आएगा ब्लैंड बेस्वाद, क्या आएगा इसका ब्लैंड बेस्वाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब आता है एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेज अभी अभी पढ़ा था, स्वीकार करना, जा सिमरन जा जिले परमिशन लेना वो सब करना, हाँ स्वीकार है मुझे, स्वीकार है आपको क्या स्वीकार है, हाँ मुझे स्वीकार है, वो सब है। इसका उल्टा आएगा डेनी, मना करना, काफ़ी आपने पढ़ा, डिक्लाइन मतलब मना करना, ये सब आपको पढ़ा होगा, बस आपको इसका मतलब याद करना है, अगर इसका आपको मीनिंग याद हो गया तो इनका तो आपको पता है, डेनी करना मतलब नेगेटिव मीनिंग निकालना, डिक्लाइन मना करना। नेक्स्ट आता है, दो बार पूछा जा चुका है भाई ये। नेक्स्ट आता है एक्विशिशन, अधिग्रहण करना, सॉरी एक्विशिशन मतलब अधिग्रहण करना, इसका अपोजिट आएगा लॉस नुकसान। देखो भाई मेरा यहाँ पर सेंटर है, मतलब पेपर आया दिल्ली में, ठीक है सेंटर, मैं बस में आ रहा था, टिक 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 ऐसे बस में ऐसे ऐसे आ रहा था बस में, सोचा ले थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, मतलब क्वेश्चन पढ़ रहा है, कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा था, क्वेश्चन से याद कर लो क्वेश्चन, और उसका क्या हो गया मुझे फायदा हो गया, पेपर में वही क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, मतलब सेंटर पर आ रहा थोड़ी देर, लो भाई थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, तो वही क्वेश्चन आ गया मतलब मुझे फायदा हो गया। एक्विशिशन से याद कर लो क्वेश्चन, क्वेश्चन कहा है पेपर मतलब मुझे फायदा हो गया, तो उससे याद कर लॉस अपोजिट क्या आएगा, लॉस नुकसान होना, ठीक है। कैसे याद करो, देखो क्वेश्चन का क्या हो गया, क्वेश्चन का हो गया मुझे प्लस मतलब फायदा हो गया, तो इसका अपोजिट नुकसान लॉस, ठीक है आ रहा था और वही आ गया, तो वो समय एक्वेट, एक्वीट मतलब दोष मुक्त करना, भाई थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था आपको, बरी कर देना, हाँ 5-7 मिनट पहले 10 मिनट पहले पढ़ाया था, वही है एक्वेंट मतलब एक्वेट मतलब दोष मुक्त करना, मतलब जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो अपोजिट आएगा दोष लगाना। कन्विक्ट, कन्विक्ट अभी अभी पढ़ाया था, ठीक है कन्विक्ट, और ब्लेम, ब्लेम का मतलब भी यही होता है दोष लगाना, तुमने ये किया है वो किया है वो सब पढ़, इसका मतलब एक्वाइट मतलब छोड़ देना, ये तो आपको पता है, ये ब्लेम का पता है, कन्विक्ट का पता है, और कंडेम ये आपको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5 बार पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन 5 बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट आता है एक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था भाई। देखो क्या है कि जो ये है ना, आपको सारे याद नहीं करने, धीरे धीरे क्या होगा वही शब्द रिपीट होते जाएंगे। आपको ये थोड़ी है कि 10 सिनोनिम याद करने, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड, वो वही है शुरू में। मतलब 40 करवाता हूँ डेली मैं, करवाता हूँ 40, आपको 40 याद नहीं करने, आपको 25 याद कर लें, बाकी जो 15 है ना वो इन 25 में से निकल के आएंगे, वही सब है, ठीक है। और 25 भी बहुत जल्दी याद करा, कोई दिक्कत। एक्यूमेन, आकू क्या है, आकू जो है वो है मैन, कुशाग्र बड़े बुद्धि है, तो इसका अपोजिट है पागल है, स्टूपिड पागल, वो सभी है, समझ गए। नेक्स्ट है भाई अडेमेंट, ठीक है, ये होता है अटल है भाई, वो अपनी जबान पर अटल है, उसने सोच लिया तो सोच लिया, मतलब वो सब है। तो अदा, अदा, अदा किसी का नाम है, अदा, अदा क्या है, मांट मतलब मानती नहीं है, अटल है, उसने जो कह दिया सो कह दिया, सीधी बात है, लक्ष्मण रेखा है, उसने जो कह दिया ना वही लक्ष्मण रेखा है, मतलब समझ गए होंगे। मतलब अदा क्या है, किसी का नाम है और उसने क्या कह दिया, अटल है, मानत मतलब मानती नहीं है, मतलब अटल है, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, कोई बात नहीं मान जाएगी, मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला, ये पता है आपको। गुल्लीबल और यील्डिंग, ये अपने भाई याद कर लेना, ठीक है। यील्डिंग कैसे याद करोगे, देखो मैच होता है क्रिकेट मैच, उसमें फील्डिंग आती है, तो क्रिकेट मैच में क्या करते हैं, जो कप्तान होता है ना, ये आपकी पिच हो गई, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड हो गया, तो कप्तान यहाँ पर खड़ा होता है, वो कहेगा उसको, जा वहाँ जाके खड़ा हो, 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 तू यहाँ पर हो, मतलब सबको कहता है, और वो सब क्या करते हैं, मानना पड़ता है भाई, यील्डिंग, ये लचीले होते हैं, ये थोड़ी कहेंगे नहीं मैं तो नहीं खड़ा हूँ भाई, कप्तान है, ये है कप्तान, आपको अब भगा भी देगा यहाँ से, तो वो सब है। यील्डिंग मतलब फील्डिंग करना, और फील्डिंग में मतलब कहेगा वो करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा, लचीला होना पड़ेगा। गलीबल मतलब गली क्रिकेट खेलते हैं, उसमें उसमें ही तो होता है ये सब, ठीक है, हाँ, वो कहेगा नहीं खेलना तो जाके बैठ जा, वो सब है, ठीक है। मतलब एडमेंट, अदा क्या है, मानती नहीं, मतलब अटल है, ठीक है, अटल है, तो इसका आएगा फ्लेक्सिबल, अपोजिट गुलीबल, गली क्रिकेट में क्या होता है, मानना पड़ता है, हील्डिंग मतलब फील्डिंग के टाइम मानना पड़ता है। 5 बार पूछा जा चुका है भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई एड, एड का मतलब जोड़ना, इसका आता है अपोजिट रिमूव, हटाना। एक साथ है आदिपोज, ठीक है, कैसे याद करूँ भाई, मेरे एक दोस्त है उसका नाम है आदित्य, आदित्य, ये असलियत सच्ची घटना पर आधारित है, आदित्य नाम उसका, आदित्य हिंदी में कैसे छोड़ना ना, तो आदि है ना, आदि क्या दे रहा है, पोज दे रहा है, मतलब फोटो शूट करवा रहा है तो पोज दे रहा है, पोज, फोटो शूट कराते हैं उसे कहते हैं ना पोज, ऐसे खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, वो समय आदि क्या दे रहा है, पोज दे रहा है, और मैं क्या हूँ रिंग, मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, भाई फ़ोन उठा ले, काम है बहुत ज़रूरी, अरे भाई, अरे भाई, वो फ़ोन उठाए, तुम्हें रिश्तेदार याद नहीं करना, तुम्हें वसा याद नहीं करना, तुम्हें बस इतना याद करना है कि जो आदि है, मैंने तो याद किया आदि मेरा दोस्त है, और वो क्या कर रहा है, पोज दे रहा है फोटो शूट, अरे फिर, और फ़ोन उसका रिंग कर रहा है, मतलब आ रहा है रिंग, मतलब बज रहा है, और वो फ़ोन नहीं उठा, मैंने ऐसे याद किया। फिर बाद में कहेगा, अरे भाई यार मैं फ़ोटो शूट करा रहा था, सॉरी यार फ़ोन साइलेंट था, ये है वो है, वो एक्सक्यूज़ देगा, तो उससे याद किया मैंने, आप भी ऐसे ही करो। नेक्स्ट है भाई एडजेसेंट, मतलब सटा हुआ, मतलब एकदम भाई मेरा घर और तेरा घर एकदम एडजेसेंट है, मतलब एकदम पास पास, एकदम सटे हुए हैं, डंडे से डंडा मिल रहा है, ठीक है, वही सब है। डिस्टेंट मतलब अलग अलग, ये तो आपको पता ही, 2 बार पूछा जा चुका है भाई ये क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है एडमिरेबल पर्सन से, ये तो आपको पता ही है, एडमिरेबल मतलब पर्सन सा, कुछ पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है, पर्सन सा करना, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया। इसका अपोजिट क्या आएगा, कुछ नेगेटिव मीनिंग निकल रहेगा, मतलब वर्थी, वर्थी का मतलब भी कुछ पॉजिटिव होता है, अन लग गया, अन का मतलब ही नेगेटिव होता है, अब देख लो थोड़ा नेगेटिव मना अयोग्य। ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष लगाना, दोष वर्थी मतलब दोष मुक्त, ठीक है, दोष मुक्त आएगा यार, जब भी देखो भाई यहाँ पर दोष मुक्त नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोष युक्त, दोष युक्त, युक्त आएगा, ठीक है, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, मैं भी सोचा ब्लेम वर्थी का तो नेगेटिव निकल, ये तो पॉजिटिव होगा, दोष मुक्त तो पॉजिटिव निकल नहीं। देखो एडमिरेबल मतलब प्रशंसा करना पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट आएगा नेगेटिव मीनिंग, मतलब अनवर्थी, समझो अन आ गया, और ये ब्लेम लगाना, दोष लगाना, वो सब, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 बार पूछा जा चुका है भाई ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से। अब आता है
भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो वीडियो, भाई बहुत टाइम लगता है, देखो कितनी 34 मिनट की वीडियो हो गई है, 34 मिनट तो इसे वीडियो बनाने में लगते हैं, फिर ये एडिटिंग मुझे छाट छाट के लिखने पड़ते हैं, ये सब हिंदी में इंग्लिश में ये एडिटिंग बहुत सारा काम करना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, आपकी जितने भी आप सारे पूरी ब्लैक बुक कवर करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल।